23 अप्रैल 1564 को ऐसे लेखक ने दुनिया को अलविदा कहा जिसकी कृतियां का विश्व की समस्त भाषाओं में अनुवाद या लेखक था। शेक्सपियर जिसने अपने जीवन काल में 25 नाटक और 200 से अधिक किताबें लिखी। साहित्य जगत में शेक्सपियर को जो स्थान प्राप्त है उसी को देखते हुए 1985 से और भारत सरकार न्यू 2001 से इन दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विश्व पुस्तक दिवस के मौके पर हमने जब शिक्षकों से पुस्तक को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि आजकल मोबाइल का चलन अधिक बढ़ गया है लेकिन पुस्तक की जगह कोई नहीं ले सकता। पुस्तक हमारे जीवन में शिक्षा के एक नए शिखर पर हमें पहुंचाने का कार्य करती है। हमारे जीवन में पुस्तक की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। आज 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे होता है जो कि प्रत्येक साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किताबों के महत्व को बताने के लिए और दुनिया भर में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो किताबों को पढ़ना, उनका प्रकाशन करना और प्रकाशन से संबंधित अधिकारों को पूरी दुनिया में बढ़ावा देने के लिए होता है। क्योंकि वैसे हम देखें तो इसे विशेष रूप से जो हमारे लेखक हैं, चित्रकार हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, इसका ये भी एक कारण है क्योंकि इस दिन कई प्रमुख लेखक या तो पैदा हुए थे या उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए इन्हें इसी को 23 अप्रैल को मनाया जाता है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर रहे, मिगुअल डे सर्वेट्स रहे या जोसेफ लाया, इनका जो 23 अप्रैल को निधन हुआ था, और मैनुअल मेजिया बल्लेजो और मैरिन डून 23 अप्रैल को पैदा हुए थे। तो इस दिन बहुत से लेखक पैदा हुए या इनकी मृत्यु हुई, इसलिए हम इसे बुक डे के रूप में मनाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से इसको मनाया जाता है। और जो विश्व पुस्तक दिवस 2022 की जो थीम है वो आर यू ए रीडर, ठीक है, ये रखी गई है। सर फिजिकल एजुकेशन, के आर गर्ल्स डिग्री कॉलेज। जी मैम, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय बुक दिवस है, आप उसके उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये बुक दिवस मनाया जा रहा है ये कुछ सोच समझ के ही मनाया जा रहा होगा ताकि बच्चों को प्रेरित किया जा सके किताबों की ओर। बेशक आज मोबाइल का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है पर मोबाइल के नुकसान ज़्यादा हैं, फ़ायदे तो है ही हैं बट नुकसान ज़्यादा है। बच्चों की आंखों की रोशनी में बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आज के दिन मैं कहना चाहूँगी सब बच्चों को कि बुक्स के टच में रहें, बुक्स को पढ़ें। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो बुक्स ही गिफ्ट करें, चाहे वो 10 रुपये की हो, 20 रुपये की, 25 रुपये, जो भी है मतलब। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आज उस चीज़ को चलन में लेके आएँ, बुक्स को गिफ्ट करें। किसी को दान देना है तो किताबें ही दान करें, ठीक है। और किताबें पढ़ने से हमारा जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है, ये शायद हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हमारे यहाँ महापुरुष हुए हैं जो कि किताबें पढ़ के ही बहुत आगे ज्ञान बांटते थे, और आज का समय है तो आज के समय में तो हमें जो मॉरल एजुकेशन बच्चों को देनी है वो शायद किताबों से मिल सकती है, ठीक है। हम क्या हमेशा मोबाइल के ऊपर अपनी नज़रें गड़ा के रखते हैं तो उससे हमें कितना नुकसान है, कितनी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी पे आती हैं, कितने उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। बट अगर किताबें आप पढ़ोगे, डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो इससे क्या है आपको, वो एक तो लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है वो चीज़ें पढ़ी हुई किताब के द्वारा, ठीक है, कभी नहीं भूलते आप। तो इसलिए आज मेरा सभी बच्चों से, सभी छात्राओं से निवेदन है कि वो किताबें एक दूसरे को गिफ्ट करें, एक दूसरे को दान दें किसी और को, और पढ़ने के लिए हमेशा एक दूसरे को प्रेरित करें। पुस्तकें अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है, ज्ञान का खजाना, जो शायद हमें कहीं और नहीं मिल सकता। तो इसलिए सभी बच्चों आप आज के दिन क्या है, सबको बुक्स पढ़ने के लिए प्रेरित करें और एक दूसरे को भी गिफ्ट दें बुक्स को।